बच्चों आज हम पांचवा अंक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचमों अंक है। इस प्रकार से ये पांचवा अंक है। ततः प्रविशति पद्मनिका। इसके बाद में पद्मनिका प्रवेश करती है। पद्मनिका मधुकर के अगच्छ तावत् शीघ्रम। पद्मनिका मधुकरिका को बोलती है कि मधुकरिका शीघ्रम तावत् शीघ्रम आगच्छ जल्दी आओ। प्रवेश करके मधुकरिका हला सखी इयम अस्मि ये मैं हूँ किम क्रियताम क्या किया जावे। तो पद्मनिका हला किम न जानासी त्वम भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति। क्या तुम नहीं जानती हो कि राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति सिर दर्द से पीड़ित है। मधुकरिका हा धिक अरे धिक्कार है। पद्मनिका कहती है फिर हला गच्छ शीघ्रम हला सखी शीघ्रम गच्छ जल्दी जाओ। आर्यावंतिकाम शब्दाप्य और आर्यावंतिका को बुला लाओ। केवलम भर्तृदारिका शीर्ष वेदना मेव निवेदय केवल राजकुमारी के सिर दर्द का ही निवेदन करना। ततः स्वयं एव आगमिष्यति तो फिर वह स्वयं ही आ जाएगी। मधुकरिका हला किम सा करिष्यति तो मधुकरिका कहती है कि सखी सा किम करिष्यति वह क्या करेगी। तो पद्मनिका कहती है सा खलु इदानीम मधुरावि कथा भी भर्तृदारिका शीर्ष वेदनाम विनोदयति। वह इदानीम इस समय मधुरावि कथा भी मधुर कथाओं के माध्यम से भर्तृदारिका शीर्ष वेदनाम विनोदयति राजकुमारी के सिर दर्द में मनोरंजन का कार्य करेगी। तो मधुकरिका युज्यते ठीक है। कुत्र सैन्यम रचितम भर्तृदारिकया राजकुमारी की भर्तृदारिकया राजकुमारी की सैन्यम सैया कुत्र रचितम कहाँ लगाई गई है। आगे फिर पद्मनिका तेन ही यदि ऐसी बात है तो भारत निवेदन इनाम पद्मनिका सॉरी समुद्र ग्रह के किल सैया आस्तीर्णा समुद्र ग्रह में सैया बिछाई गई है। त्वम इदानीम गच्छ तुम इस समय जाओ। अहम अपि भारते निवेदनार्थम आर्या वसंत कम अन्विष्यामि मैं भी स्वामी से निवेदन करने के लिए आर्य वसंत को अन्विष्यामि ढूंढती हूँ। तो मधुकरिका निष्क्रांता मधुकरिका एवं भवतु ऐसा ही होगा और निष्क्रांता निकल जाती है। पद्मनिका कहती है कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम कुत्र पश्यामि आर्य वसंतक को कहाँ देखूं। विदूषक ततः प्रविशति विदूषक है। इसके बाद में विदूषक प्रवेश करता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। शीर्ष वेदना शीर्षस वेदना षष्ठी तत्व समास है। साइनियम सी धातु से अनियर प्रत्यय है। साइनियम आस्तीर्ण आ उपसर्ग से स्त्री धातु और तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय आस्तीर्ण। सैया सी धातु से क्य प्रत्यय ततः प्रविशति विदूषक है। इसके बाद में विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक अद खलु देवी वियोग विदुर हृदय तत्र भवत वत्स राजस पद्मावती पाणी ग्रहण समीरित अत्यंत सुखावही मंगलोत्सवी मदन अग्निदाह अधिकतरम वर्धते पद्मनिकाम विलोक्य अहि पद्मनिका किम इह वर्तते। तो यहाँ पर देखिए पद्मनिकाम विलोक्य पद्मनिका को देख करके अद खलु देवी वियोग विदुर हृदय तत्र भवते वत्स राजस पद्मावती पाणिग्रहण समीरित अत्यंत सुखा वहे मंगलोत्सवे आज देवी के वियोग से
विदुर हृदय वाले, दुखी हृदय वाले, तत्र भवत वत्सराजस महाराज वत्सराज उदयन के और पद्मावती के पाणिग्रहण समीरितस विवाह संस्कार की जो सुख का वातावरण था या सुखपूर्वक जो हवा चल रही थी, सुखपूर्वक हवा का मतलब यह है कि खुशी का एक तरह का माहौल था, अत्यंत सुखावई अत्यंत सुखपूर्वक जो मंगलोत्सवी मंगल उत्सव था उसमें मदन अग्निदाह कामदेव की जो अग्नि है वो अधिकतरम वर्धते, वो अधिक बढ़ रही थी, बढ़ रही है। पद्मनी काम विलोक और पद्मनिका को देख करके अरि पद्मनिके अरि पद्मनिका किम यह वर्तते, यहाँ कैसे हो, तो पद्मनिका कहती है आर्य वसंतक किम ने जानासी त्वम, आर्य वसंतक क्या तुम नहीं जानते हो, भर्ती दारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, राजकुमारी पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है। तो विदुषा कहता है भवती सत्यम न जानामि, वास्तव में मैं सत्यम वास्तव में सचमुच में मैं नहीं जानता था या मुझे पता नहीं था। अब देखिए पद्मनिका कहती है तेन ही भरते निवेदयेनाम, यदि ऐसी बात है आपको पता नहीं था तो फिर इन्हें भरते इनाम भरते निवेदय इसको महाराज से निवेदन करो, यावद अहम अपि शीर्षान लोकनम त्वरयामी तब तक मैं भी सिर के लगाने का लेप तैयार करती हूँ। तो विदुषक कहता है कुत्र सैन्यम रचितम पद्मावत्या, पद्मावत्या सैन्यम कुत्र रचितम, पद्मावती की जो सैया है वो कहाँ बिछाई गई है। तो पद्मनिका कहती है समुद्र ग्रह के किल सैया आस्तीना, समुद्र ग्रह में सैया बिछाई गई है। विदुषक है गच्छतु भवती, विदुषक कहता है गच्छतु भवती आप जाइए, यावद अहम अपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि तब तक मैं भी महाराज से निवेदन करूँगा, निष्क्रांतौ और निकल जाता है। इस तरह से ये प्रवेशक है, इसमें ये जो नाटक का जो समुद्र ग्रह का घटनाक्रम चलेगा उससे पूर्व की जो सूचना है वो इस प्रवेशक में दी गई है। अब देखिए फिर ततः प्रविशति राजा, इसके बाद में राजा प्रवेश करता है। राजा कहता है श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशी तनुजाम काल क्रमेण पुनरागत है दार भारे लवणा के हुतवहीन हतांग यस्ति ताम पद्मनिम हिम हताम एव चिंतयामी। काल क्रमेण समय के चक्र के अनुसार पुनरागत है दार भारे, फिर से दार का मतलब पत्नी का जो भार है वो फिर से आ गया, समय के चक्र के अनुसार मेरे ऊपर पत्नी का भार फिर से आ गया। लावणक नाम के गांव में हुतवहीन अग्नि के द्वारा हतांग यस्ति जिसके अंग नष्ट कर दिए गए, ऐसी श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशी ताम तनुजाम, ऐसी प्रशंसनीय जो अवंती के राजा की राजकुमारी के सदृशिम का मतलब उसके समान ताम तनुजाम, इस पुत्री या इस जो वासव पद्मावती है इसको हिम हताम पद्मनी में चिंतयामी, बर्फ के द्वारा मारी गई कमलनी के रूप में इसको देखता हूँ। देखिए यहाँ पर राजा की स्थिति यह है कि राजा की पहली पत्नी वासवदत्ता लावणक नाम के गांव में जल करके मर गई। अब राजा के ऊपर पत्नी दूसरी पत्नी का भार आ गया, यानी उसका विवाह दूसरा विवाह पद्मावती के साथ में हो गया। तो अब देखिए क्योंकि राजा के साथ में पहले विपत्ति घटित हो गई, इसलिए अब यहाँ पर जो वासवदत्ता है उसके बारे में विचार करता है कि उसके अंग अग्नि के द्वारा जला दिए गए और उस वासवदत्ता के समान अवंती के राजा की राजकुमारी के समान ये जो पद्मावती है इसको मैं हिमहताम पद्मनी एव चिंतयामी, बर्फ के द्वारा मारी गई पद्मनी के समान विचार करता हूँ सोचता हूँ, यानी जब बर्फ पड़ती है तो कमलनी उस बर्फ से कुमला जाती है, उस पर
उसको जब सर्दी लग जाती है तो वो कुमला जाती है, उसी प्रकार से उसके बारे में मैं सोचता हूँ। जो राजकुमारी पद्मावती है उसको बर्फ़ के द्वारा मारी हुई पद्मनी के समान, कमलनी के समान मैं उसके बारे में विचार करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, पद्मिम इव चिंतयामी, पद्मनी उस कमलनी के समान मैं उसके बारे में विचार करता हूँ। तो इसमें उपमा अलंकार है, साधर्म उपमा भेदे, और इसमें वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिलगा तब्जा जगो गए। आप प्रवेश करके अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। दार भारे दारणाम भारे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब श्लाघ्याम, इसमें श्लाघ धातु से ण्यत प्रत्यय है और स्त्रियाम टाप प्रत्यय है। तनुजाम, तनु शब्द से जन धातु और डे प्रत्यय है। जनेर पंचम्या जनेर डे सूत्र से यहाँ पर डे प्रत्यय होगा और फिर उसके बाद उससे टाप प्रत्यय है। हिम हताम, हिमेन हताम, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। पद्मनी, पद प्लस इनी प्लस गी प्रत्यय से पद्मनी बना है। अब देखिए इसमें प्रवेश करके विदुषके त्वरताम त्वरताम तावत भवान, महाराज आप जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर जो राजा है वो कहता है किमर्थम, किस लिए जल्दी की जावे। तो विदुषक कहता है तत्र भवति पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखता, सामान्य जो पद्मावती है वो सिरदर्द से पीड़ित है। तो राजा कहता है कै एवं आहा, ये किसने कहा। तो विदुषक कहता है पद्मनी कया कथितम, पद्मनिका के द्वारा कहा गया। तो राजा कहता है भो कष्टम, अरे कष्ट है, अरे दुख की बात है। अब उसका जो दुख है उसको इन पंक्तियों में वो व्यक्त करता है राजा। रूप सिनेम समुदितम समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्धुआ प्रियाम मम तु मंद इव अद्य सुख है, पूर्वाभिघात सरुजोपि अनुभूत दुख पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। अब यहाँ पर देखिए रूप श्रिया, रूप संपत्ति से युक्त, समुदितम गुणतश्च युक्ताम और गुणों से युक्त, यानी रूप संपत्ति से युक्त और गुणों से युक्त प्रियाम लब्धवा, प्रिय पत्नी पद्मावती को प्राप्त करके पूर्वाभिघात सरुजे अपि, यानी पहले से जिसने दुखों का अनुभव किया है, पूर्व में जिसने दुखों का अनुभव किया है, ऐसे मेरे द्वारा मेरा मम शोके अद्य मंदव में मेरा शोक आज धीमा पड़ गया था, यानी जिसने पहले दुखों का अनुभव किया है ऐसे उस व्यक्ति यानी मेरा जो शोक है वो धीमा पड़ गया था, हल्का हो गया था। लेकिन अनुभूत दुख, दुखों का अनुभव किए हुए होने के कारण पद्मावतीम अपि तथा एव समर्थयामि, पद्मावती को भी मैं तथा एव समर्थयामि, उसी वासवदत्ता के समान समर्थयामि, उसके बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ, विचार करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर राजा की पहली पत्नी वासवदत्ता लावणक नाम के गांव में, उसमें आग लगने से जल करके मर गई, और उस पहली पत्नी के वियोग से राजा पीड़ित था, और दूसरी पत्नी पद्मावती को, पद्मावती के बारे में जब ये पता लगता है कि वो सिर दर्द से पीड़ित है तो राजा को बड़ी चिंता हो जाती है, और वो उसी रूप में देखता है उसको, जैसे उसको ये उसके दिमाग में ये आता है कहीं ऐसा नहीं हो जैसे वासवदत्ता के साथ में हुआ, वासवदत्ता मर गई, उसी तरह कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पद्मावती भी चल बसे। तो उस व्यथा को यहाँ पर प्रकट किया गया है, राजा को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जैसा वासवदत्ता के साथ हुआ था वैसा इसके साथ भी हो जाए। तो इस तरह से इसमें राजा का
जो मनोभाव है उसको इसमें व्यक्त किया गया है। रूपश्रिया रूपश्च श्रिया, इसमें द्वंद्व समास है और लब्ध्वा लब धातु से कत्वा प्रत्यय है, लब्ध्वा। अभिघात है अभि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घ प्रत्यय, अभिघात है। समर्थ्यामी समर्थ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन समर्थ्यामी। अथ इस प्रकार से अनुभूत दुख अनुभूतम दुखम येन स, इसमें बहुव्रीहि समास है। अब समर्थ्यामी सम उपसर्ग है अर्थ धातु है, इससे निच प्रत्यय है और फिर लट लकार में मिप प्रत्यय है। अत कस्मिन प्रदेशे वर्तते पद्मावती, इस प्रकार से पद्मावती किस प्रदेश में स्थित है, तो इस तरह से राजा को ये समाचार दिया जाता है और राजा पद्मावती के बारे में पूछता है कि अब वो कहाँ है। धन्यवाद।